गाइज वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने बड़े बड़े इयररिंग मैं वैसे कभी भी वियर नहीं करती, क्योंकि मैं ये ले आई थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने देखा, पर मेरे तो पहने नहीं जा रहे। मैं क्योंकि ज़्यादा अपने गोल्ड के ही पहनती हूँ, मैंने कभी आर्टिफिशियल पहने नहीं है, क्योंकि मेरे कान में ना दिक्कत हो जाती है, पीछे ना लग जाते हैं मेरे कान। तो गाइज़ आप लोग सोचो कि मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो गाइज़ मैं जा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ, आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो हम उधर ही जा रहे हैं। वैसे कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन थोड़ा मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मेरी भाई के बच्चे हैं नहीं, वो अपने मामा के घर पर गए हुए हैं, भाभी वगैरह गए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनका मन लग जाएगा, तो इसलिए जा रहे थे। और अभी रेडी हो चुकी है अभी अवन्या, जल्दी देखो अभी ले ले, ये कुछ उठा रही है। तो गाइस चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे घर जाके, मिलाते हैं आपसे सबको। मैं वैसे चेंज करूँगी क्योंकि मुझसे ना पहनने नहीं जा रहे, दर्द करने लग जाते हैं मेरे कान, तो मिलते हैं आपसे घर जाके। तो गाइस ये ऑलरेडी आई पड़ी है और मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। देखो लाइट क्यों बंद कर रखी है? ये देखो अभी तो क्या रखी है। अच्छा क्या अवन्या का क्या हाल कर दिया, अभी खुश हो रही है, खुश हो रही है अभी, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। ये ट्विनिंग मतलब ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक। ये दीवार का देखो बच्चों ने क्या ड्राइंग की। खाना वगैरह डालने की तैयारी हो रही है और निक्की दी बना रही है रोटी एंड मैं सैलेड काटती हूँ। मेरा फोन यहाँ पे स्टैंड नहीं हो पा रहा है, मैं बना रही रोटी है, सैलेड काट रही है, सबको खाना डालेगी। अब हम फटाफट के ब्लॉग में देख लेना मैं क्यों अपना अलग से बनाऊँ ना। और ये देखो अर्षी को थक गए निक्की ने तो तोड़ कर दिया बिल्कुल नाचने में, मेरे को तो फेल ही कर दिया यार। कहाँ है खीरे? कहाँ है खीरे? कितने कट हुए? काट लिया 6-10। तो गाइस खीरे काट के मिलते हैं आप लोगों से, है ना, बाय बाय। गाइस आज हम पापा मम्मी के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं। हम क्या करेंगे आज? हमें बराती नहीं, मैं तो लड़के वालों की तरफ से हूँ, तू ले लड़कों वालों की तरफ से। पापा मम्मी की जयमाला करवाएंगे और हम जा रहे हैं लेने के लिए माला, तो मिलते हैं आपसे आगे। तूने बहुत मिस कर दी ये चीज़, हम तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। चलो फोर्स करेंगे पापा मम्मी को जयमाला करने के लिए। वैसे अभी तक आज तक हमने ऐसा कुछ करा नहीं है, पापा मम्मी काटते भी नहीं है केक। पापा तो करते हैं, पापा को एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन मम्मी। चलो भाई घर मिलते हैं आपसे। और मेरा फलूदा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, फिर हमने फलूदा लिया, अब हम खा रहे हैं भाई। बताओ जल्दी से कैसा है? टेस्टी है या न्यू ही है? बस ठीक है, सच में बताओ, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई नहीं मारेगा आपको। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं तो मन कर रहा और ले लूँ। और नहीं खाना भी खाना है घर जाके। खाना वगैरह हमने खा लिया है और अब हम कर रहे हैं मम्मी को रेडी सूट वगैरह पहना के। तो गाइस आपसे मिलते हैं आगे, ठीक है? केक कटिंग करने की रेडी केक कटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो रितु करिए मम्मी को रेडी, मम्मी का टचअप किया इसने और अब बैंगल्स पहना लिया, बट इससे पहनाया नहीं गया पर इससे फिर आया ली गया तो मम्मी खुद पहन दिया। हाँ हम्म,
गलत कर ली। अभी केक लिया आया इधर, केक कटिंग की तैयारी हो रही है। हैप्पी बर्थडे यहाँ लिख दिया और बना काट आ रहे हो तुम। क्योंकि मैं कुछ मम्मी से लेके जाऊंगी जो कि इसको नहीं देंगे। सिम्मी के दिमाग में तो नहीं चला कि हम पहले जा रहे थे, तू जरूर कुछ लेके जाओगी। तो या तो स्कूटी पे, हाँ फोन के मार रोड थी। चलो अच्छी बात, हाँ चलो गाइस घर चल के मिलते हैं। गाइस हम घर पहुंच गए थे और मैंने कपड़े चेंज कर लिया, वन्या के मैं चेंज कर रही हूँ, उसने पोटी कर दी तो उसकी पोटी वगैरह साफ़ करके कपड़े चेंज करके बस अब सोएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए, तुल गए बाथरूम में फ्रेश वगैरह होने, थक गए क्योंकि मैं यहाँ से भी काम वगैरह करके गई थी, वहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत किया क्योंकि मम्मी अकेली कैसे करती। सुबह इस मिलते हैं आपसे सुबह। अभी क्या बन गया, भूज बन गया मैं। मैंने भी अपना चेंज कर लिया है और इसको बिना कपड़ों के मजा आ रहा क्योंकि इसको गर्मी लग रही थी और अब ये इरिटेट हो रही है। अच्छा आ जा, ओल चोल पे बेटू। चलो गाइस बाय। इस लाइट चली गई है बहुत और अभी हमने इन्वर्टर लगवाया नहीं है, जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इन्वर्टर भी लगवा लें। बहुत गर्मी हो रही है और ये देखो कैसे परेशान हो रहा है बच्चा बेचारा। बिजली वालों कुछ शर्म कर लो, बच्चे परेशान। कैमरे में झांक के देख रही है, बहुत गर्मी हो रही है गाइस। हम तो सोने की तैयारी कर रहे हैं, देखो कपड़े खींच रही है अपने। निकाल दूं। चलो गाइस इसके कपड़े निकाल दूं, पहले उतार दूं। तो फिर क्या करूं, ये पकड़ के खींच रही है बेटा। किचने मोला देखियो, लाइट इज बैक। आ गई लाइट फाइनली, जैसे ही मैंने आप लोगों से अपनी मन की इच्छाएं शेयर करी लाइट आ गई है। तो अब हम सोते हैं, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ आप लोगों से, अब हम सोते हैं। पता नहीं कब सोते हैं क्योंकि अवन्या अभी सो के उठी है और ये हमें सोने नहीं देगी। खाना पीना नाना धोना तुम्हारी हो गया क्या, इसको उतारने हैं कपड़े। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, सो के उठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके दोबारा सो गई थी मैं तो, क्योंकि रात को ना वन्या बहुत लेट सोई क्योंकि बार बार लाइट जा रही थी
तो उस वजह से ना ये सो नहीं पा रही थी, और मैं दोबारा सो गई थी इसी के साथ, और ये तो अभी सो कर उठी भी नहीं है, सोई हुई है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, अतुल गए हुए हैं किसी काम से बाहर, मैं मतलब सफाई वगैरह करके दोबारा सो गई थी। अब आलस आ रहा है शरीर में, अब दोपहर का खाना बनाऊंगी। अतुल ने बोला है कि चटनी रोटी और रायता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना खाए हुए चटनी, तो बोल के गए हैं कि चलो उठ के खाना वाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे दिन आ गया यार बोरिंग से, आलसी, मन नहीं करता उठ के कुछ काम करने का, पता नहीं कैसे से दिन आ गया। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, किचन में खड़े होने का मन नहीं करता, बट स्टिल काम तो करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं तैयारी खाने पीने की। मैं नहा ली थी, मैंने हेयर वॉश किया है, ये कैमरा ऑन होते ही तो हेयर वॉश किया है, देखो बाल कैसे हो रहा है रफ रफ से। अभी मैंने कॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं करी है, और शाम हो गई है आज अभी को फीवर हो गया भाई, फीवर हो गया, कॉल होगा मैं बेटी के, परेशान हो रही है, ज्यादा खेल भी नहीं रही। अच्छा भाई बात करो शबशी, हेलो करो। ये ना बाल खींच के देखती है कि दर्द हो रहा है कि नहीं इनको। चलो गाइस मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लूँ, अजीब सी लग रही हूँ, मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने खाना वगैरह बना लिया है, अब हम खाना वाना खा के सोएंगे। दवाई दूंगी अवन्या को, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, देखो कैसे बंदर की तरह चिपकी हुई है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कमेंट सब कर देना गाइस, थैंक यू बाय।